रेड्डी भाई। तो ये जो ट्रेंड है इसके ऊपर अगर आपको एक परफेक्ट रील बनाना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको खुद का एक नॉर्मल वॉक करते हुए स्लो मोशन वाला 8 सेकेंड का मिनिमम 8 सेकेंड ड्यूरेशन होना चाहिए, ऐसा एक वीडियो रेडी करके रख देना है। नॉर्मल आपको स्लो मोशन वॉकिंग वाला एक वीडियो यहाँ पर रेडी करके रख देना है, सिर्फ उसका ड्यूरेशन जो है वो 8 सेकेंड का होना चाहिए। तो ये वीडियो रेडी हो जाने के बाद आपको प्ले स्टोर पर जाकर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है VN एप्लीकेशन, जो स्क्रीन के ऊपर मैं मूव कर रहा हूँ। तो ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके सिंपली आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पे शो हो जाएगा। अब स्क्रीन के नीचे आपको एक प्लस का आइकॉन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक टेम्पलेट वायर करना है, तो टेम्पलेट मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ। ये वाला जो टेम्पलेट है ये रेडीमेड आपको फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। तो उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना और मेरे टेलीग्राम चैनल पर चल जाना है, और वहाँ से इस जो टेम्पलेट है इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पर आके सबसे पहले आपको इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। तो टेम्पलेट को सिलेक्ट हो जाने के बाद ऊपर आपको एक वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, तो वीडियो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर आपको एक ऑल का ऑप्शन आ जाएगा, तो ऑल वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर अभी आपको आपके मोबाइल पर जितने भी फोल्डर है सारे फोल्डर की लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें से जिस भी फोल्डर में आपने वो फोटो वीडियो रखा होगा 8 सेकेंड का, उस फोल्डर को यहाँ से ओपन करना है और उस वीडियो को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके ले लेना है। तो इस वीडियो को इस तरीके से सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे एक ब्लू कलर का फॉरवर्ड एरो आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद अभी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर सेंटर में आपको एक ओरिजिनल का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक 9:16 का फ्रेम रेशो दिखेगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद ऊपर जो 9:16 लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे आपको एक स्पीकर का आइकॉन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये ऑडियो जो रहेगा, आपने जो भी वीडियोज यहाँ पर ऐड किए, जो भी क्लिप्स आपने यहाँ पर ऐड किए, उसका म्यूट हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आपने जो वीडियो ऐड किया रहेगा तो इस वीडियो के बार को सिलेक्ट करना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ऊपर और नीचे, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का बॉर्डर दिखेगा, तो इसे आपको यहाँ पर जूम करके इस 9:16 के फ्रेम में कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके ले लेना है। इतना हो जाने के बाद आपको वीडियो के एकदम स्टार्टिंग पर आना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो टैप टू ऐड म्यूजिक का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, म्यूजिक के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर आपको ये जो ट्रेंड है इसके लिए बैकग्राउंड ऑडियो लगेगा, तो बैकग्राउंड ऑडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको इस जो ऑडियो है इसे आपको डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर आके सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो ऑडियो के सामने आपको एक चूज का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर नीचे आपको एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करके रख देना है। इतना हो जाने के बाद अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आपने जो ऑडियो ऐड किया है उसका बार आपको यहाँ पर ब्लू कलर का एक बार आ जाएगा, तो इस बार को इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है और बार जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है उस पॉइंट पे इस वाइट वर्टिकल लाइन को लेकर जाना है। इसके बाद नीचे जो आपने वीडियो ऐड किया है तो वीडियो के बार को इस तरीके से उसी पॉइंट पे सिलेक्ट करना है, और नीचे आपको एक स्प्लिट का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसके ऊपर आपको स्प्लिट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वीडियो के यहाँ पर दो हिस्से हो जाएंगे, तो राइट हैंड साइड का जो बचा हुआ हिस्सा इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आपने फर्स्ट टेम्पलेट ऐड किया, फिर यहाँ पर वीडियो ऐड किया, तो इसके बीच में आपको एक प्लस का आइकॉन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ पर अभी एक व्हाइट का ऑप्शन दिखेगा, तो इस व्हाइट वाले ऑप्शन को क्लिक करना और नीचे एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। बस इतना हो जाने के बाद अगर आप इस वीडियो को यहाँ पर प्ले करके देखोगे तो ये परफेक्ट आपका एक जो रील है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। इसके बाद इस रील को अगर आपको आपके मोबाइल की गैलरी में सेव करना है तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो बना हुआ वीडियो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव होना शुरू हो जाएगा। ये 100% एक्सपोर्ट हो जाने के बाद नीचे आपको एक सेव टू एल्बम का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो बना हुआ वीडियो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद इसे आप एज ए रील इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पर अपलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील है इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।